हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में जिससे मेल, फीमेल, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, हाउसवाइफ, वर्किंग वूमेन, बिजनेसमैन या जॉब करने वाले हर कोई कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर गुजरते हैं। इस समस्या को टैकल करने के लिए हर कोई अपने लेवल पर कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन बहुत बार वो इस समस्या से छुटकारा नहीं हासिल कर पाता है। मैं बात कर रहा हूँ दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के बारे में। दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी ये एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर परेशान करती है। इसको दूर करने के लिए लोग अलग अलग डाइट प्लान करते हैं। कोई अपनी डाइट में चेंजेस करता है, तो कोई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो कोई जिम लगाता है, या कोई ज़्यादा सोना पसंद करता है, लेकिन इससे भी सही ढंग से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी होम्योपैथिक दवा के बारे में जो आपकी हर किस्म की कमज़ोरी, चाहे वो मेंटल वीकनेस हो या फिजिकल वीकनेस हो, उसको दूर कर सकती है। ये बहुत ही इफेक्टिवली आपकी इस कमज़ोरी को दूर करती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं कमज़ोरी आखिर हमें आती क्यों है। पहले समझते हैं फिजिकल वीकनेस के बारे में। फिजिकल वीकनेस अक्सर हमें सही से डाइट ना लेने के कारण, या फिर आपके द्वारा ली गई डाइट आपके बॉडी में सही से एब्जॉर्ब ना होने के कारण हो सकता है। इस दोनों कंडीशन में आप लो एनर्जी फील कर सकते हैं। वहीं आजकल के हेक्टिक माहौल में लोगों को पैक फूड, होटल का फूड ये ज़्यादा पसंद आने लगा है, ऐसे में भी वीकनेस आना लाजमी है। वहीं बहुत सारी वर्किंग वूमेंस ऐसी है जिनकी डाइट सही से नहीं हो पाती है, घर का बना हुआ हेल्दी खाना वो खा नहीं पाती है, इसकी वजह से भी उन्हें कमज़ोरी आती है। लगातार कमज़ोरी बड़ों या बुज़ुर्ग हो, इनको अगर आती रही तो इसकी वजह से उनके बॉडी पर अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी के हाथों पैरों में दर्द बना हुआ रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द बना हुआ रहता है, या किसी को चीज़ें याद नहीं रह पाती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आप होम्योपैथिक एक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है एसिड फॉस मदर टिंचर। दोस्तों, एसिड फॉस मदर टिंचर ये होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है जो हर किस्म की डेबिलिटी, कमज़ोरी को दूर करने में आपकी बेहद ज़्यादा मदद कर सकती है। एसिड फॉस मदर टिंचर आपकी फिजिकल वीकनेस भी दूर करती है, साथ ही साथ मेंटल वीकनेस भी दूर करती है। इसके मेंटल वीकनेस के एंगल की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सूट होती है जिनको चीज़ें याद रखने में परेशानी हो रही है, चीज़ें उनकी याद नहीं रह रही है, साथ में साथ उनके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, यानी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। ऐसे लोगों को एसिड फॉस मदर टिंचर बहुत ज़्यादा मदद करती है। वहीं बिजनेस क्लास और जॉब करने वाले लोग जिनका दिमाग से रिलेटेड वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिमागी काम करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी एसिड फॉस मदर टिंचर बेहतरीन रिजल्ट देता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके फिजिकल वीकनेस के एंगल के बारे में। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम के वक्त पैरों में दर्द होता है, पैरों के खिंचाव के साथ साथ उन्हें घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में कड़कड़ आवाज़ आने लगती है, इसको भी एसिड फॉस मदर टिंचर कवर करती है। वहीं ऐसे मेल्स जिनको पेशाब में धात जाने की समस्या, यानी पेशाब में स्पर्म जाने की समस्या हो रही है और उनको कमज़ोरी आ चुकी है, ऐसे लोगों को भी एसिड फॉस मदर टिंचर उनकी कमज़ोरी भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा घर के बुज़ुर्ग जो बहुत ज़्यादा एजेड हो चुके हैं, जो कहीं ना बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसके लिए उनको लंबी चौड़ी टैबलेट्स खाने की ज़रूरत पड़ती है, इन लोगों को भी एसिड फॉस मदर टिंचर कमज़ोरी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मदर टिंचर है जो बड़े बुज़ुर्ग, फिजिकल वर्क करने वाले, मेंटल वर्क करने वाले सभी को अपने अपने तरीक़े से इफ़ेक्ट देता है। दोस्तों, वहीं ऐसे लोग जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी जिनकी डाइट सही से नहीं है, उनको डाइट सही से नहीं मिल पाती है, वक्त पे वो खाना नहीं खा पाते हैं, ऐसे लोगों को भी एसिड फॉस मदर टिंचर मदद करता है उनकी रिकवरी के लिए। दोस्तों, एसिड फॉस मदर टिंचर ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अगर आप अपने वक्त से पहले बाल सफ़ेद होकर वापस से काला करना चाहते हैं,
तो आपको एसिड फॉस मदर टिंचर जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों एसिड फॉस ये होम्योपैथी एक एसिड से बनी हुई मेडिसिन है जो आपके हर किस्म के वीकनेस को दूर करने में मदद करती तो करती है, साथ ही आपके डाइजेशन के करेक्शन, आपके कॉन्स्टिपेशन या बार बार लगने वाले लूज मोशन को दूर करने में भी आपकी मदद करती है। दोस्तों इसकी डोज की अगर बात करें तो ये आपके डिपेंड करता है आपकी वीकनेस के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं तो आपको एसिड फॉस मदर टिंचर की 20-20 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। पहले शुरू के 15 दिन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी कमजोरी 50% जाती रहेगी। 15 दिन के बाद आप इसकी 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर लगातार 3 महीने तक लेते रहें। 3 महीने में आप देखेंगे कि मैजिकली आपकी कमजोरी वीकनेस जाती रहें, आप फिजिकली भी फिट महसूस कर रहे हैं और मेंटली भी फिट महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एसिड फॉस मदर टिंचर के बारे में जो कमजोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।